वेलकम टू एसएससी क्रैकर। एसएससी क्रैकर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपको पता है एसएससी सीजीएल का आंसर की ऑलरेडी 12 को ऑलरेडी निकल चुका है। तो आपको पता है एसएससी इतना जल्दी आंसर क्यों निकाला, किसी को भी नहीं पता है। ओके किसी को भी नहीं पता है। ओके जो सब यूट्यूब में दे रहे हैं एक अटप वटप, उनको मुझे नहीं लगता है कि इतना श्योर ही होंगे वो। देखना जब भी कट ऑफ निकलेगा, जब भी आपका कट ऑफ निकलेगा उसी चैनल में आप कमेंट कीजिए, सर आपने इतने बोले होते क्यों नहीं हुआ। ओके सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। ओके कट ऑफ कैसे एसएससी सीजीएल 2007, क्योंकि मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बोलता हूँ, एसएससी का जो कोलकाता का हेडक्वार्टर है उसमें मेरा एक दोस्त है, वो क्लर्क का काम करता है, क्लर्क है एसएससी का कोलकाता रीजन में बता रहा हूँ, उसका नाम है सोमेंद्र प्रियदर्शनी नाथ। ओके तो उससे कल मैं बातचीत किया, इसीलिए मैं वीडियो कटअप के लिए क्यों नहीं बना रहा था, क्योंकि मुझे पता है मैं बना देता तो व्यू आ जाता, लेकिन ऐसा इफेक्टिव नहीं होता। जी जो लोग आशा करके बैठे हैं कि उनके लिए उनको तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टायर टू के लिए या फिर टायर 2018 के लिए प्रिपेयर होना चाहिए या फिर दूसरा एग्जाम जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, IBPS हो गया, बहुत सारे एग्जाम आ रहा है, FCA हो गया, उसके लिए तैयारी करें। तो मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ कि एक सेकेंड प्लीज़। यस तो यहाँ से मैं आपको जो मेरा इंटरनल वो दोस्त है जो मेरा उसका रिसोर्स सोर्स से जो पता चला मुझे, इतना ही कट ऑफ आएगा, 2-3 नंबर भारी होगा इसमें, आगे 2 या पीछे 2, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं आएगा। एंड ये 100% एक्यूरेसी है। जब एग्ज़ाम निकलेगा आंसर की कट ऑफ निकलेगा SSC ऑफिशियल कट ऑफ, तब आप मुझे बताना, बट ये पूरा आपका 100 से 99.99% शेयर है, क्योंकि मेरा दोस्त का उनका एसएससी में जो कटअप के लिए जो बातचीत हो रहा है उनके लिए क्या है वो तो पूरा खुल के नहीं बताया, बट जैसे भी उनका इंटरनल सोर्स है इसे नहीं बताते, फिर भी वो जितना है बताया मुझे, वो वहाँ से पता चल गया कटअप यहाँ से कितना क्लियर होने वाला है एसएससी सीजीएल 2017 का कटअप। तो मैं आपको कटअप बता देना चाहता हूँ, उससे पहले मैं कुछ फैक्ट आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए यस ये पूरा आपका 100% इफेक्टिव है, इसमें 1-2% कुछ कम होगा क्योंकि इंटरनल रिसोर्स से मुझे मिला है, ना कि कोई वेबसाइट मैंने चेक किया है। ओके वेबसाइट में आपको बताना चाहता हूँ वेबसाइट में क्या आता है, जो भी आपका जैसे वेबसाइट नया नया अभी जो वेबसाइट है वेबसाइट में जो आ रहा है जो इसका आंकड़ा, वो आंकड़ा आपका 100% नहीं है, कोई भी 100% इसको नहीं है, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं वो कमेंट करके बताते हैं, उसी हिसाब से आंकड़ा निकालता है। क्योंकि कोई बच्चा अभी SSC CGL में मैं देखा है वो रखा है 182, उड़ीसा का एक बच्चा है 182, उड़ीसा का बच्चा है, मेरा दोस्त है, वो बोला कि 182 उसका सॉरी 180 सॉरी 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 भाई 172 वो रखा है, क्योंकि उसका एग्जाम 23 में था। ओके अगर उसका एग्जाम 23 में था तो 170 उसके लिए कुछ बड़ा बात नहीं है, वो 182 क्योंकि वो 6 क्वेश्चन उसका SSC गलत किया है, उतना याद रखना, 6 क्वेश्चन उसका SSC गलत कर दिया है, सॉरी 4 क्वेश्चन उसका SSC गलत कर दिया है एंड 2 क्वेश्चन वो जानबूझ के गलत किया, क्योंकि वो बहुत खुशी हो गया था मैं इतना अटेंड कर दिया, एंड उसका एक्यूरेसी था 99%, आप सोच भी नहीं सकते। अगर वो ये 4 क्वेश्चन वो नॉर्मलाइजेशन के सॉरी प्रेजेंटेशन के लिए भेज दे तो कितना होगा 180 हो जाएगा, बट वो नहीं भेज रहा है, उसको नहीं चाहिए, बोला भाई क्यों चाहिए। एंड ऐसा बंदा है इसका कॉन्फिडेंस इतना अभी है कि वो अगर चाहे तो, अगर भाई प्रीलिमिनरी को बता देता हूँ, प्रीलिमिनरी बच्चा 190 भी रखते हैं, पिछले साल रखा था एक बच्चा 190, बट
वो लिखा मैथ में 97.5 कहाँ पे टायर टू में, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। बहुत सारे ऐसे इसमें भी बहुत सारे, अगर सब में नौकरी जॉब पाई जाएंगे तो कितना पोस्ट है भाई, 10,000 पोस्ट है, 10,000 SSC का पोस्ट है, तो 15 लाख में से तो कुछ तो चले जाएंगे ना। तो इसी चले जाने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा SSC CGL में, अभी जो मेरे इंटरनल रिसर्च से पता चलता है। देखिए 140 का अबव 25% बच्चों ने लाया है, ये 100%, 99.99% जो उनका आंकड़ा है वो मुझे बताया, जो 140 अबव 25% लाए है, 120 से 130 के बीच लाए 27.5% बच्चे, याद रखना, 1112 से 38% बच्चे, कहाँ से 110 से 120 के बीच, बिलो 112 जैसे 95, 97 ऐसे भी आए हैं वो 24%। तो अभी उसका कहना है, उनका जो डिस्कशन चल रहा है, देखिए ए वाला जो बच्चे हैं, देखिए मैं बताता हूँ कटअप कैसे उनका हो रहा है, वो मुझे जो जो बताया वो मुझे आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं लेट में वीडियो बनाया, मैं पूरा जानबूझ के इसके लेट बनाया क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, जो भी बोल रहे हैं कि उस जिनका 100 भी है वो भी टायर टू के लिए प्रिपरेशन कर ले, ऐसा कोई बात नहीं, वो छोड़ दे, मैं आपको बताता हूँ पहले से बताता हूँ, छोड़ दे, ओके टायर टू के लिए ओके छोड़ ही दे, 2018 के लिए बेस्ट एफर्ट दे आपका, दूसरे के बात में आगे 2018 में भी फंस जाओगे, क्योंकि 2018 में क्या क्या होने वाला है मैं आपको सब बताऊंगा, इसीलिए इस चैनल को मैं आपको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए पहले से ही, ओके। SSC के अंदर क्या होता है मुझे सब पता है, मैं आपको बता देता हूँ SSC के अंदर अभी क्या चल रहा है, 100 से 100% मुझे बताए, ओके, क्योंकि इस समय डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ओके SSC में क्या रहे, बट आप नहीं पूछना भाई, SSC के अंदर आपको सब कुछ पता है तो सर आप बता देंगे आपसे क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ये भाई नहीं पता है, क्वेश्चन सेक्शन दूसरा, जो क्वेश्चन SSC का क्वेश्चन कौन भी बनाता है मैं आपको भी डिटेल बता देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन का सेक्शन के क्वेश्चन और एग्जाम के पैटर्न में नहीं बता देता, एग्जाम के बाद क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सब मैं बता दूंगा। उसके बाद देखिए 140 का अबव, देखिए इतना 25%, 120 से 130 का 27.5%, 110 से 120 का 38%, बिलो 1110 से 25%। तो आप सोचिए अगर कट ऑफ बहुत सारे बोल रहे 110 से ज़्यादा नहीं जाएगा, वो कैसे बोल रहे मुझे पता नहीं, 110 जाएगा, ठीक है, देखिए अगर 110 जाया 25% तो चले जाएंगे, यहाँ से भी 27.5% भी चले जाएंगे, ये भी 38% चले जाएंगे, भाई टोटल कितना हुआ, यही से तो आपका 75% चले गए भाई, टोटल 50 लाख्स एग्जाम दिए थे मुझे बताए, बता दूँ सॉरी टोटल 15 लाख दिए थे, इसमें 75% आपका चला गया, तो कितना भाई SSC टायर टू के लिए सिर्फ 1 लाख कुछ सिलेक्ट करेगा, और 75% ऑफ 15 लाख 1 लाख होता है क्या भाई, मुझे तो नहीं पता किसका होता होगा, तो कट ऑफ ऐसे काउंट हुआ उनका वो सोचे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कट ऑफ काउंटिंग मेथड क्या होता है, देखिए वो मुझे जो बताया उनका कट ऑफ, देखिए नॉर्मलाइजेशन नहीं आप बताऊँ, नॉर्मलाइजेशन क्यों कितना फॉर्म उनके लिए उनका पास पहुँचा है, नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं जो मेथड आपको बताया था कैसे आप भेजेंगे, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन के लिए जो SSC के लिए आप दिल से अभी से निकाल दीजिए, क्योंकि उनका नो नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा SSC का 100% से 200% श्योर, एंड वो भी मुझे बता दिया इस हमारा SSC ऐसा नहीं करने वाला है, ओके नो नॉर्मलाइजेशन, छोड़ दो नॉर्मलाइजेशन को, ये RRB नहीं है, रेलवे नहीं है, एंड SSC कुछ करने वाला है आपके लिए, देखिए एवरेज जो होगा जिसका है पहले वो क्या करेंगे ना, एवरेज निकालेंगे जितना जितना अटेंड हुआ है, 25% एवरेज आ रहा है, 25% याद रखना, 25%, 25% मीन्स यहाँ पे देखिए आपका जो कट ऑफ आएगा, ओके फाइनल कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ, वो आएगा आपका 1, क्योंकि 140 से अबव 25% ये रखे हैं, ओके एंड और एक फैक्टर है सॉरी मैं बताना भूल गया, 30 लाख एग्जाम दिए थे, 16 लाख भरे थे, ये भी याद रखना, एग्जाम दिए थे 30 लाख एग्जाम भरे थे एंड 16 लाख एग्जाम दिए थे, उसके लिए हमारा एवरेज आया 25%, हमारा एवरेज आया 25%, तो कट ऑफ आपका फाइनल कट ऑफ मैं बताना जा रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ याद रख लीजिए, फाइनल कट ऑफ मैं बताना चाहता हूँ,
आपका जो फाइनल कट ऑफ आएगा एसएससी उसका जो मानना है वो आ रहा है आपका 118 से 122। याद रखना इसी के बीच आपका 100% कट ऑफ भरी करेगा। 1110 जिनका है वो भूल जाइए एसएससी सीजीएल टायर टू, अगर भी वो क्लियर कर छोड़ दो मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया। अगर जिसका 1110 है उसको पोस्ट अच्छा नहीं मिलेगा, वो भी टायर टू में आ जाएगा, लेकिन 112 कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। मैं आपका 100% श्योर हूँ कट ऑफ जाएगा आपका 118 से 112, नीचे आ जाइए 2, ऊपर चले जाइए 2। मीन्स अगर आपका आ सकता है 118 से अगर 2, और मैंने पहले बोला था 2 और वो भी बोला था 2 और माइनस 2 थोड़ा आपको करना है क्योंकि उनका लास्ट डिसीजन अभी नहीं ली है कट ऑफ के बारे में। ओके तो 2 से आएगा 118 से 2 आएगा आपका जैसे आपका 116, यहाँ से 120 या फिर 120 से 125। लेकिन 100% 90% हम श्योर हैं 118 से 120 के बीच ही कट ऑफ जाएगा। तो प्लीज़ जिनका 110 से 115 है वो थोड़ा होप रख सकते। 110 जिसका है, 111 जिसका है, 112 जिसका है उस तो भूल जाइए, इतना नहीं आएगा। जिसका 113 है, 114 है, उनके लिए कुछ तो चांस है, कुछ तो होप है, आपका के लिए कुछ तो होप है। आप होप बरकरार रखिए, अकेले कुछ तो आपका होप है। तो मैं बताना चाहता हूँ जिसका 110 से नीचे है, 100 है, 111 वो छोड़ दीजिए, उनका क्लियर नहीं होगा। मैं आपको गारंटी, आपको दुख लगेगा फिर भी मैं आपको जो सच्चाई बताने वाला हूँ नहीं होगा। तो आपको बता दिया कट ऑफ कितना जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू वेरी मच।